नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ बढ़िया सा। चलिए देख लेते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम कॉफ़ी क्रीम बनाएंगे जो बहुत ही बढ़िया बनती है। इससे कॉफ़ी आपकी बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी। ये कॉफ़ी क्रीम बनाने से हमारी कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बना रहे हैं। कॉफ़ी क्रीम बनाने के लिए हमने ये मिक्सिंग बोल ले ली है। इसके अंदर सबसे पहले हम कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। आप कोई भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। इंस्टेंट जो कॉफ़ी होती है वो ही हम इसके अंदर डालेंगे। बोल के अंदर हम 4 चम्मच बड़े वाले जो होते हैं वो कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। जो मेज़रमेंट होगा इसी हिसाब से करेंगे, उसी चम्मच से ही हम सारी चीज़ों का मेज़र करेंगे। 4 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर कॉफ़ी भरकर डाल दी है और 6 चम्मच हम उसी से भरकर चीनी डालेंगे। 6 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है और जितनी हमने कॉफ़ी ली है उसी हिसाब से हम इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे। 4 चम्मच हम इसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे। हमने गर्म पानी कॉफ़ी के अंदर डाल दिया है। अभी हम इस कॉफ़ी को वीट करेंगे। हम इसको वीट इस तरीके के हैंड विस्कर से करेंगे। आपके पास अगर मशीन है तो आप इसको मशीन से भी कर सकते हैं। मशीन से बहुत जल्दी वीट होकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल 2-3 मिनट में ही ये कॉफ़ी अच्छे से वीट होकर तैयार हो जाती है। विस्कर से हमें हैंड विस्कर से इसको वीट करने के लिए लगभग 5-6 मिनट लग जाते हैं। हम इसको हैंड विस्कर से ही वीट करेंगे। अगर आपके पास वो मशीन नहीं है तो हम ऐसे ही दिखा रहे हैं कि हम हैंड विस्कर से ही इसको वीट कर सकते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-6 मिनट ही लगते हैं। हम इससे भी हम अच्छे से इसको हैंड वीटर से वीट करेंगे। ये हाथ से भी अच्छे से वीट हो जाती है। हम इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। देखिए हमने कॉफ़ी को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। कॉफ़ी जो चीनी है वो बहुत जल्दी से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे ही चलाते हुए लगातार बीट करेंगे। इसका देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो रहा है और ये कॉफ़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। इसी तरीके से हम इसको लगातार चलाते हुए बीट करेंगे। कॉफ़ी को बीट करते हुए हमें 6-7 मिनट हो चुके हैं। हमारी कॉफ़ी बढ़िया से बीट होकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही क्रीमी सी कॉफ़ी बीट हुई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है कॉफ़ी हमारी। कॉफ़ी का कलर भी वाइट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। जैसे कि व्हिप क्रीम होती है उसी तरीके की हमारी कॉफ़ी नज़र आ रही है, कितनी क्रीमी सी है। इस कॉफ़ी को आप लंबे समय तक स्टोर कर रख सकते हैं। जैसे हमने बीट की है इसी तरीके से बीट करने के बाद आप इसको किसी भी डिब्बे के अंदर भरकर रख दीजिए और जब भी आपका मन हो कॉफ़ी पीने का तो आप दूध गर्म कीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी डाल दीजिए। आपकी बहुत ही क्रीमी सी और टेस्टी सी कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी, बहुत ही जल्दी बनती है। चलिए अब हम इस कॉफ़ी क्रीम से कॉफ़ी बनाकर तैयार करते हैं, हॉट कॉफ़ी बनाते हैं। हम दिखा देते हैं इसी तरीके से हमें कॉफ़ी बनानी है और इससे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके हमने एक पतीले के अंदर दूध लिया है। आप जितने कप कॉफ़ी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से दूध लीजिए। हमने इसके अंदर 1/2 लीटर के करीब दूध डाल दिया है और दूध को गर्म होने देंगे। अगर आप बहुत झाग वाली कॉफ़ी बनाना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप बीटर की मदद से जब दूध हल्का गर्म हो जाए तभी आप बिस्क की मदद से ऐसे दूध को चला दीजिए ताकि बढ़िया से ऊपर एक झाग सी बन जाए। देखिए हमने इसको बिस्क की मदद से ऐसे चलाते हुए दूध को झाग बना ली है। बहुत बढ़िया झाग बन चुकी है, अच्छे से हमने झाग बनाई है। अगर आप झाग वाली कॉफ़ी चाहते हैं तो आप इसी तरीके से बनाइए। दूध जो है गर्म हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे। अब हम कॉफ़ी बनाएंगे। कॉफ़ी को बनाने के लिए हमने इस तरीके के मग लिए हैं बड़े वाले। इसके अंदर हम 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी डालेंगे। आप जितनी तेज़ या ज़्यादा कॉफ़ी चाहते हैं उसी हिसाब से इसके अंदर कॉफ़ी डालिए। हमने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर कॉफ़ी डाल दी है। दोनों मग के अंदर हमने 1-1 चम्मच डाला है। दूध को हमने एक जग के अंदर डाल दिया है। जैसा जिसका मुंह थोड़ा छोटा होगा वही जग के अंदर हमने ये दूध डाला है ताकि हम जब मग के अंदर डालें ऊपर से हम दूध डालेंगे, क्योंकि थोड़ा जब ऊपर से डालते हैं तो झाग अच्छी बनती है। इसीलिए हमने ये दूध जग के अंदर डाला है ताकि जो मग है हम उनके अंदर दूध ऊपर से डालें और उससे भी हमारे जो कॉफ़ी है उसके ऊपर झाग बहुत बढ़िया से आएगी। हमने दोनों मग के अंदर इस तरीके से ऊपर से दूध डालकर दूध हमने डाल दिया है। जो झाग थी वो भी ऊपर से हम थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। देखिए हमारी कॉफ़ी कितनी बढ़िया लग रही है।
और साथ ही हमने थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी और साइड पे डाल दी है ताकि हमारी कॉफ़ी का बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ जाए। ऊपर से हमने ये कॉफ़ी डाली है थोड़ी सी, दोनों मग के अंदर हमने कॉफ़ी डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही टेस्टी सी कॉफ़ी बनी है। दोनों मग के अंदर हमने अच्छे से डालकर कॉफ़ी को घोल लिया है, बहुत ही क्रीमी सी बनी है। हम दिखा देते हैं किस तरीके की हमारी कॉफ़ी बनी है। कॉफ़ी का बहुत ही बढ़िया कलर और बहुत ही क्रीमी सी कॉफ़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनी है। ऊपर से हमने दालचीनी का पाउडर ऊपर से डाला है। अगर आप इसके ऊपर और कुछ डालना चाहें तो आप कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से दालचीनी का पाउडर डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी लगेगी। बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनकर तैयार है, गर्मा गर्म इसको पीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही क्रीमी कॉफ़ी बनी है। इस तरीके से कॉफ़ी को स्टोर करने के बाद आपको जब भी मन चाहे कॉफ़ी निकालिए और गर्म दूध में कॉफ़ी एक चम्मच डालकर पीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी कॉफ़ी बनेगी। जब भी कोई मेहमान आए तो आप इस तरीके से कॉफ़ी को सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है, पहले से स्टोर की होती है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर जी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। साथ ही मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको जो मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।